भिंड के एक बदमाश को फेसबुक पर अवैध कट्टे और पिस्टल के साथ पोस्ट डालना भारी पड़ गया। दोस्तों, हम रवाना हो रहे हैं और यहाँ से हमें लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना है और दोनों बहुत सातेर अपराधी हैं। दोनों पर लगभग 12-12, 15-15 अपराध अलग अलग कायम है और कई बार पुलिस पे ऊपर फायरिंग भी की है इन लोगों ने। और ऐसी कहानियां सबके पास अलग अलग हैं। ये जो सामने खड़े हैं हमारे राहुल यादव, इन्होंने भी एक बार उनको पकड़ा था, तब पिस्टल मिली थी उनके पास से और कूद कर भागे थे गाड़ी से। अब हम जाने के लिए रवाना हो रहे हैं और फिर मैं आगे बताता हूँ जाके आपको, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। अरे मैं अपनी कह रहा था, मुझे फ्रेश छोड़ दे लो, थोड़ी गई पागल, दारू का कण सबसे पहले किसी मुंह में गिरेगा तो हमने तो चंद रखा है। अपनी कह रहा था मुझे छोड़ दे। तो हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर ही बताया जा रहा है कि इन लोगों के हथियारों की डीलिंग होने वाली है। हम समय से पहले आ गए हैं वहाँ पर और अभी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, तो हम अभी रुक गए हैं क्योंकि अभी समय है उनके आने में। ये सुबह 5-6 बजे के आसपास डीलिंग की इनकी संभावना है। ये रात को 3 बजे हुए हैं और हम उस जगह से थोड़ी दूर आकर रुके हुए हैं। यहाँ पर हमने होल्ड किया हुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं सुबह होने का। और जो मुखबिर है उसने सूचना दी है कि 5-6 बजे के बीच में ये लोग आएंगे और मोटरसाइकिल से ये लोग जिस रास्ते से निकलेंगे वहाँ पर हमने कुछ लोग अपनी टीम को उन्होंने बधाई दी है और अच्छा काम हुआ है। पकड़े गए हथियार तस्करों से 5 बंदूक, 1 रिवॉल्वर, 1 अधिया और 12 देशी कट्टे बरामद किए हैं। भिंड के एक बदमाश को फेसबुक पर अवैध कट्टे और पिस्टल के साथ पोस्ट डालना भारी पड़ गया। ये आरोपी की पोस्ट पर पुलिस ने काम किया और बड़े तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। भिंड पुलिस ने 3 आरोपियों से 5 बंदूक जब्त की है, वहीं 12 कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 1 अधिया मिले हैं। ये बदमाश लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी करते चले आ रहे थे। भिंड SP मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक गोरई थाना रौन का रहने वाला शातिर बदमाश अपनी फेसबुक आईडी पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट डाले हुए हैं। पुलिस ने जब आरोपी को उठाया तो अवैध हथियार तस्करी की कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ते हुए अवैध हथियारों की जानकारी जुटाई तो आरोपियों से एक के बाद एक अवैध हथियार मिले। इन बदमाशों से 2 बंदूक फैक्ट्री मेड और 2 देशी हाथ से बनी बंदूकें जब्त हुई। इसके अलावा 19 कट्टे जब्त हुए। गुंडे बदमाश दुराचारी कि अब केवल FIR हो गई और जेल चले गए, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, मिटाके तबाह करके ही चैन की सांस। और ये आप देख रहे हैं क्योंकि जेल गए, जेल से छूट के फिर जमानत हो गई, आर्थिक कमर तोड़ के रख देंगे, ऐसी हालत कर दूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। बदमाशों के लिए शहर में कोई जगह नहीं रहेगी, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। पकड़े गए हथियार तस्करों से 5 बंदूक, 1 रिवॉल्वर, 1 अधिया और 12 देशी कट्टे बरामद किए हैं।